आज प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की राजधानी अबुधाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है और इस भव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की और वो वहां इस मंदिर की वैश्विक आरती में भी आज शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए। सात शिखर, 12 सामरण, 402 स्तंभों से बना यह बीएपीएस हिंदू मंदिर अपने आप आकर्षक और प्रभावक है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद अभी यह पता नहीं होगा कि अबुधाबी में बना यह मंदिर किस भगवान का है और इस भव्य मंदिर के गर्भगृह में जिन दो प्रतिमाओं की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो प्रतिमाएं किसकी हैं। तो ये मंदिर स्वामी नारायण जी का है जिनका जन्म वर्ष 1781 में अयोध्या के पास छपिया नाम के एक गांव में हुआ था और उनका मूल नाम घनश्याम पांडे था। घनश्याम पांडे वेदों और परंपराओं के महान ज्ञाता थे और स्वामी रामानंद ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और उन्हें एक नया नाम दिया था और यह नाम था स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद जब गुजरात पहुंचे तब उन्होंने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की जिसे श्री स्वामी नारायण संप्रदाय कहा गया और यहीं से लोग श्री स्वामी सहजानंद को भगवान का अवतार मानने लगे और उन्हें लोगों ने एक नया नाम दे दिया और यह नाम था श्री स्वामी नारायण। और आज पूरी दुनिया में 50 लाख से ज्यादा लोग स्वामी नारायण संप्रदाय में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं और श्री स्वामी नारायण जी को भगवान की तरह पूजते हैं। और अबुधाबी में बना यह भव्य मंदिर भी स्वामी नारायण जी का ही है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी स्थापित किया गया है और वहां रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में जिन दो प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उनमें एक प्रतिमा श्री स्वामी नारायण जी की है और दूसरी प्रतिमा उनके प्रमुख शिष्य की है जिन्हें गुणातीनानंद कहते हैं। और जिस संस्था ने 700 करोड़ रुपए की लागत से इस मंदिर का निर्माण करवाया है उस संस्था के पहले गुरु गुणातीनानंद जी ही थे जिनकी प्रतिमा को इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया है। और इस समय पूरी दुनिया में श्री स्वामी नारायण जी के 1100 से ज्यादा मंदिर हैं और दिल्ली का मशहूर और भव्य अक्षरधाम मंदिर भी श्री स्वामी नारायण का मंदिर ही है। तो अबुधाबी से इस मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जो पूरा कार्यक्रम है वो अब आप देख चुके हैं।